कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब परिवार शिवा शक्ति तंत्र रहस्य। दोस्तों, जैसा कि नवरात्र चल रही है और आप सभी लोग नवरात्र में साधना कर रहे हैं और अनुष्ठान कर रहे हैं, कई साधक ऐसे हैं जिनको दिव्य अनुभव हो रहे हैं, तो आज आप लोगों के लिए मैं एक ऐसा महाकाली मंत्र लेकर के आया हूँ जो कि आप सप्तमी के दिन करेंगे, यानी कि सातवीं नवरात्र को, जिसमें काल रात्रि की पूजा होती है, आप उस दिन इस मंत्र को कर सकते हैं। और इस मंत्र की विशेषता ये है कि ये मंत्र एक रात में यानी कि 11 माला पढ़ने पे ही सिद्ध हो जाएगा और इसका जो कार्य क्षमता है बहुत ही ज़्यादा है। और इस मंत्र की एक विशेषता है कि मंत्र जो है ये दर्शनी मंत्र है। दर्शनी मंत्र का मतलब शायद आप लोग समझते होंगे, जो साधक नहीं जानते उनको मैं बताए देता हूँ। दर्शनी मंत्र वो होता है जिससे आप शक्ति के दर्शन कर सकते हैं। जिस मंत्र की अगर आप साधना करते हैं तो वो शक्ति दर्शन देती है, तो ये दर्शनी मंत्र है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसका जो प्रयोग है आप कई तरीके के हिसाब से कर सकते हैं। एक तो आप झाड़ा लगा सकते हैं, एक अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, एक सामने वाले व्यक्ति के लिए आप ताबीज़ गंडा वगैरह बना सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। और जो गद्दी लगाने वाले व्यक्ति हैं ये उनके लिए बहुत अच्छे एक बैकअप मान के चलिए, सुरक्षा का बैकअप मान के चलिए। और जो तीक्ष्ण साधनाएँ करना पसंद करते हैं, तामसिक साधनाएँ, साबर मंत्रों की या तांत्रिक मंत्रों की शमशान भूमि में साधनाएं करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए यह मंत्र बहुत ही अति आवश्यक है, लाभकारी है, तो आप लोग इस मंत्र को कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मंत्र बता देता हूँ, आप लोग मंत्र को नोट कर लीजिए। काली काली महाकाली इंद्र की बेटी ब्रह्मा की सारथी, पीती भर भर के रक्त प्याली, दोनों हाथ बजाए ताली, जहाँ आए दुश्मन हाली, दुहाई कामरू देश कामाक्षा, नैना योगिनी की दुहाई, गौरी पार्वती की दुहाई, वीर मसान की। तो ये मंत्र है और आप लोग इसको बहुत ही आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, आप सप्तमी के दिन बैठ जाएं, आपकी जो है समय रात के 10 बजे का रखें, आसन आप काला, वस्त्र काले, दिशा आप उत्तर या पूर्व की रखें और आप आसन पर बैठे बैठे शक्ति का पूजन करें, महाकाली का पूजन करें और अपने जो गुरु हैं गुरु का पूजन करें, इष्ट का पूजन करें, गुरु मंत्र का जाप करें, इष्ट के मंत्र का जाप करें, भैरव मंत्र का जाप करें, उसके बाद 11 माला बैठे बैठे आप जाप कर लें, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपका एक रात में ही ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आपको जब कभी कोई साधना करने जाएं तो आप इस मंत्र को 7 बार पढ़ के ताली बजा दें, जहाँ तक आपकी ताली की आवाज़ जाएगी वहाँ तक आपकी जो सुरक्षा दायरा है वो लग जाएगा, सुरक्षा घेरा लग जाएगा, कोई भी निगेटिव शक्ति आपको परेशान करने नहीं आ सकती। ऐसे ही आप तावीज़ गंडा वगैरह भी इससे आप बना सकते हैं और आप इस मंत्र से दूर दराज बैठे व्यक्ति का झाड़ा लगा सकते हैं। और इस मंत्र के माध्यम से आप किसी भी शक्ति की हाजिरी बुला सकते हैं। हाजिरी बुलाने का मतलब है सिर पे हाजिर कर सकते हैं, सामने वाली किसी पीड़ित व्यक्ति है उस पर कोई अगर शक्ति निगेटिव है वो परेशान करती है तो आप उसका झाड़ा लगा सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और जो ऐसे साधक हैं, जो थोड़ा नए साधक हैं, जो भयभीत होते हैं, उनके लिए यह मंत्र बहुत ही उपयोगी है। इस मंत्र के प्रयोग कर लेने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई शक्ति छू नहीं सकती। और यह मंत्र अगर पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के 41 दिन तक साधना की जाए
इसमें शक्ति प्रत्यक्ष होती है। महाकाली जी की जो स्पेशल योगिनी है, जो पीपल पे वास करने वाली हैं, वह योगिनी सिद्ध हो जाती हैं, और उनके सिद्ध होने के बाद आप षटकर्म बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 11 माला नित्य पढ़ना होता है, सरसों के तेल का चिराग जलाना होता है, और गुलाब वाली अगरबत्ती, भोग में मीठा। तो ये क्रिया है, इसको जो नए साधक हैं वो कतई न करें, जो डर मतलब कि जिनके दिल में थोड़ा भय रहता है ऐसे साधक बिल्कुल न करें। वो एक दिन में मंद सिद्धि के लिए आप जो है सप्तमी के दिन नवरात्र में काल रात्रि महामाया की जिस दिन पूजा होती है सप्तमी को, उस दिन आप इसको 11 माला पढ़ लें, ये कार्य सिद्धि के लिए मंत्र तैयार हो जाएगा। आप इससे हर प्रकार के कार्य बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रत्यक्षीकरण चाहिए तो आपको पीपल पेड़ के जड़ में बैठ के, यानी कि नीचे बैठ के 41 दिनों तक साधना करनी होती है, और यह प्रत्यक्षीकरण का मंत्र है। इसमें शक्ति प्रत्यक्ष होती है, ये स्पेशल काली योगिनी के मंत्र है, और इसमें योगिनी प्रत्यक्ष रूप से हाजिर होती है और सिद्धि प्रदान करती है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप मंत्र को सिद्ध करेंगे और अपने आप को लाभान्वित करेंगे और सामने वाले व्यक्ति को भी लाभ पहुँचाएंगे। इसी आशा के साथ जय शिवा शक्ति, नमस्कार।